हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ अयाची ठाकुर, ब्लॉग का मालिक अयाची ठाकुर। ठीक है, तो मैं दूसरे घर पे आया हुआ था अपने। तो मेरे यहाँ पे आने का कुछ कारण है, वो है पौधा। क्योंकि मैं इतना ज्यादा पौधा प्रेमी हूँ ना कि क्या बताएं। मेरे को ना बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि अगर मैं एक दो महीना नहीं आया घर में तो पौधा का क्या हालत होगा। तो ठीक है, वैसे बारिश होती रहती है दिल्ली में, तो अभी सारे पौधे ठीक है। वैसे आपको सारा व्यू दिखा देता हूँ कैसा क्या चल रहा है अभी। मैं तो बिल्कुल एकदम हैरान हूँ कि इतना गीला कैसे। एक दो महीने से तो हम गए ही नहीं थे इस साल घर पे। ये देखिए पूरा ग्रीन। अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो इसको ना जो उग जाता है ये इसको निकाल देंगे हम लोग। ए देख, सब निकाल देंगे ऐसे करके। इस सब में ना कादो लग चुका है, इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा वर्षा हुआ था दिल्ली में, तो इस समय किसी में पानी देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हिबिस्कस का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और ये सब जैसे नॉर्मल प्लांट्स हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आ जाके पता चला कि जितना जैसे बारिश हुआ ना इतना ज्यादा, तो मेरा सारा लाइट फ्यूज कर गया, सारा का सारा। लेकिन कोई बात नहीं, तब भी हम ब्लॉग बनाएंगे, हम लोग घीट हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत सारा गमला खाली था, तो मैंने एलोवेरा ऐसे लगा दिया था कि भाई मतलब तो ऐसे मत रहे, थोड़ा कुछ मतलब समझ रहे हैं ना आप। वही वही, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, सब लोग सब जिंदा है। और कड़ी पत्ता प्लांट आपने मेरा देखा होगा ऋषभ यहाँ के ब्लॉग में, तो आप इसका क्या है रिकवरी देखते हैं। सूख गया होगा? नहीं, सूखा नहीं होगा। ले क्या बोलता है भाई, वही होता है। बड़ा तो काफी हो गया है, लेकिन सूख गया थोड़ा। बड़ा हो गया है, सूखा भी नहीं है, सही है अभी। सूखा नहीं, हाँ तो नीचे सूखा है, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा, इसको इसको ले जाएंगे, ले चलिए। ये भी हिबिस्कस है एक तरीके का, छोटा मोटा तरीके का। और भाई कुछ नहीं होता ना खास हमारे घर में। पौधा सब जो लगा है ना, मैं खुद ही लगाता हूँ, खुद ही न्यू तोड़ देता हूँ, खुद ही न्यू लगा देता हूँ। तो कोई ऐसा फायदे वाला काम नहीं आपके लिए। तो चलिए, आज का दिन आगे मेरा कैसा जाता है, आज शाम है ना, तो शाम से रात मेरा कैसा बीतता है, रात से सुबह मेरा कैसा बीतता है, वो आपको जान के बहुत ज्यादा क्या होगा। हनी कुछ नहीं होगा। हाँ, वैसे तो फायदा कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। कौन सा ब्रीड है वो? नॉर्मल। तो मुझे क्या पता चला है अभी कि ना, जब ऋषभ भैया आ रहे थे ना, तो उनको ना अपने ही सोसाइटी के गेट में एक कुत्ता छोटा सा दिख गया, जो कि गार्ड अंकल लोग पाल ही लिए उसको। मतलब कहीं से घूम रहा होगा तो वहीं से उसको पकड़ के मतलब पाल रहे हैं अभी। तो वही देखने घूम ही रहा था, लापता था, मतलब लावारिस था। कुत्ता भी लावारिस होता है क्या? अब माँ से भटक गया होगा ना। अच्छा, माँ से भटक गया था। पता, मैं हंस क्यों रहा नहीं पता। कुत्ता भी लावारिस होता है क्या? अरे मतलब कि झुंड में, झुंड से हट गया होगा वो गलती से। ठीक है, तो चलिए अभी कुत्ता देख के आते हैं। तो हनी, मैं ना कोरा ले लूंगा कुत्ता को। नहीं नहीं, अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा कुत्ता को कोरा लेने में होता है कि नहीं भाई, डिफेंस से अच्छा कोई कुत्ता नहीं है। अभी सो रहा है ये। अरे अंकल कब लिए इसको? अरे कहीं से आ गया ये। हाँ हाँ, कहीं से आ गया तो हमने इसको यार के लिए। अच्छा, मैडम है दूध देने लगी। मैडम फटका भी लाई। अब यही पे रहेगा? अभी यही रहेगा। अरे मौज, ये कुत्ता का मौज है। तो इसको बांध इसीलिए देते हैं कि गाड़ी नीचे आ जाता। हाँ, ये तो वहाँ पे बैठेगा, वहाँ पे गाड़ी निकलती है, इसलिए इसको बांध देते हैं। कितना क्यूट है यार ये। अरे इसके लिए बॉल भी बड़ा है वहाँ पे। हाय, भाई वो तेरे को क्यों देख रहा है? वो मेरे ब्लॉग देखता होगा ना। ओके, तेरे को ही देखने जा रहा था अब से। बाय बाय। भाई देख, मैं तेरा दोस्त हूँ है ना। हाँ हाँ, उससे तेरा कुछ फायदा हुआ? नहीं नहीं ना फायदा हुआ। तो ऐसी दोस्ती रखनी है कि जिससे फायदा ना हो। छोड़ देता हूँ इस बंदे को। ऐसे दोस्त मिलते हैं मुझे कभी कभी। तो जैसे ही मैं खेल के आ गया ना, देखिए आप मेरे दोस्त से बहुत मिले ही नहीं थे, बहुत दिन बाद मिले हैं, तो आज देख लिए ना, बढ़िया बात है। और अभी कितना बज रहा है? 12:05 हो रहा है अभी। आज आम खाने, और हम लोग जा रहे हैं आम खाने, जो मेरे गुरुजी लाए थे 50 किलो। ठीक है, 50 किलो आम लाए थे, 50 तोला।
कोई बात नहीं, 50 किलो आम लाए थे मेरे गुरुजी, ठीक है, तो उसको जाके रात में खाएंगे। तो आज ना प्लान है कि हम यहीं पे रुक जाएं, रात में सोएंगे, फिर सुबह पापा दीदी आएंगे या पापा खुद आएंगे या हम ही लोग उस घर में चले जाएंगे। जो कि हम लोग थोड़ा सा आम ले आए हैं, जो हम लोग पार्टी एंजॉय करेंगे आम का। पार्टी। तो देखिये, मैंने ना यूट्यूब पे पढ़ा था कि ये तो जेड प्लांट जिसको बोलते हैं ना, अगर ये ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है तो घर में पैसा ही पैसा आता है, पैसा ही पैसा। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, पैसा ही पैसा हो रहा है पूरा। एक पौधा लगा देते अगर पैसा आ जाता भाई साहब, तब तो भाई साहब लोग करोड़पति ही होता। अब देख लीजिए आप भाई, आपको लगाना है तो लगा लीजिए, पैसा ही पैसा आएगा, ठीक है, पैसा ही पैसा। यही नीचे बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है हम लोग में। बिहार में क्या होता है, नीचे जो भोज होता है ना, वो भी नीचे बैठ के खाते हैं, और हमारे जो भी लोग हैं मिथिला के, वो नीचे बैठ के ही खाते हैं। तो अभी आम मम्मी काटी थी, उसको भी नीचे बैठ के ही खाएंगे। सारा गाइज, ये छिलका सब हम लोग हटा दिए हैं। लगा सिक्सर। ये मत समझिएगा जो ये बस इतना ही खाया है, सारा छिलका ये सब साफ कर चुके हैं। मम्मी 10-15 आम लाई थी, इसमें 4 बार समय ही अकेला खा गया हूँ, ठीक है। अब मेरे को आम खाते हुए और भी देखेंगे क्या, ठीक है, बाद में मिलते हैं। और रात के 12 बज रहा है और ये सबको देखे, सनी लाइट ये सब बंद करके आना। देखो भैया, आम के एले। तो क्या हुआ था आज कि ना, रात में हमने खाना मंगाया था भाई। मैं आपको छोटा सा छोटा जानकारी आपको सब कुछ दूंगा इस ब्लॉग में, कि हमने खाना मंगा लिया था, आम भी खा लिया, और मुझे अचानक ये आज ही शाम में लाया होगा शायद से, तो आज मुझे ये भी दिख गया। अब इसको भी दकर लूंगा, अब इसको भी दकरूंगा। अगर थोड़ी देर बाद अगर नींद लगे वो तो अलग बात है, अगर जगा रहा तो 5 मिनट बाद और आम खाऊंगा, और उसके बाद भी नींद लगी तो और कुछ ढूंढूंगा, उसको भी दकरूंगा। तो अभी देखिए 10:40 का समय हो रहा है, एकदम सुबह, एकदम नींद में हूँ कि क्या अभी बोलूंगा मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी बस निकलने का टाइम हो रहा है, इस घर से हम निकल रहे हैं, अब वहां जाके ब्लॉग बनेगा। और ये जो अभी तक का ब्लॉग बना है ना, इसको मैं एडिट करके आज आपको दोपहर में दिखाऊंगा। हाँ, दोपहर में ही, क्योंकि आज ये अभी एडिट करके डाल दूंगा आपको। मम्मी सुनी ना, वहां पे एक डॉगी है, बस आपको ये बताना है कि ना वो क्यूट है कि नहीं, अगर आपको क्यूट लगा तो उसी को ले लेंगे अपने घर में, ठीक है। देखिए, मैं आपको ना ब्लॉग में बोलते आ रहा हूँ कि ना, मेरा 5 साल से सपना है कि ना डॉग आना चाहिए घर में। अब तो मैं 17 साल का हो गया ना, अब 6 साल हो गया, 6 साल से मैं पापा मम्मी को बोल रहा हूँ कि पापा मम्मी डॉग लेके आओ। मम्मी बताऊँ क्या सोच रही है, जब तक मैं 10 साल का नहीं हूँगा ना, तब तक डॉग ला के देंगी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि जब तक 10 साल नहीं हो जाएंगे ना पापा मम्मी को बोलते बोलते, तब तक मम्मी ला के देगी ही नहीं। ओ सो रहा है वहाँ पे, जागो 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 प्यारे, जागो जागो, इधर आओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कैसा लगा मम्मी? छोटा बच्चा, सुंदर है, सो रहा है अभी, आलस आलसी कुत्ता है वो। चलो रे मम्मी, कुछ प्लान में चेंजेस आया? जैसे डॉगी आपको अच्छा लगा ना? हाँ। फिर मैं गार्ड अंकल में बात कर लूंगा, इतने प्यारा है ना गार्ड अंकल, मेरे को सीधे थमा देंगे कुत्ते को, बताओ। हाँ, तो अपना ही घर है ना, तो अपना जमन हो नीचे आके खेल लेना। खेल लेना।